चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। मैं बहुत ही देखो 2-3 साल हो गया, हम भी तैयारी कर रहे, ड्राइवर रैक पे घूम रहे, कुछ नौकरी की व्यवस्था नहीं है कतई भी। 450 रुपये है, 350 रुपये, 2 लाख का था मेरा, 350 रुपये आज तू चल जा घर में। हमारे परिवार का वोट है, वोट हम सब है। नमस्कार साथियों, चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है। आज हम थाना भवन विधानसभा सीट के पुरमाफी गांव में पहुंचे हैं, जहां पर हम रास्ते से गुजर रहे थे, खेल का मैदान दिखा और यहां पर कुछ नौजवान लोग दिखे जो खेल रहे हैं, कोई अपने एक्सरसाइज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। हमने सोचा इन लोगों से बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, नौजवान इस बार जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं इस बार, आइए उनकी राय जानने के लिए हम लोग बात करेंगे उनसे। जी नमस्कार भाई साहब, क्या नाम आपका? अच्छा, क्या नाम आप? प्रदीप कश्यप। अच्छा प्रदीप जी, ये बताइए चुनाव है, क्या लग रहा है, क्या माहौल आपको? सरकार बीजेपी आएगी जी? हाँ जी। अच्छा ऐसा लगता है ये अच्छे काम था, गुंडागर्दी खत्म कर दी भाई, ठीक है, ये अच्छे काम, बस थोड़ी सी एक प्रॉब्लम बनाया कि इसमें महंगाई ज़्यादा है, बस जो महंगाई थोड़ी कमी हो तो अच्छे भी लगेगा, बस महंगाई के वही दौर है बस। आप नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको क्या लगता है? एक थोड़ी सी बस नौकरी की व्यवस्था नहीं है, बस रोजगार की व्यवस्था नहीं है इसमें बस। मैं बहुत ही देखो 2-3 साल हो गया, हम भी तैयारी कर रहे, ड्राइवर रैक पे घूम रहे, कुछ नौकरी की व्यवस्था नहीं है कतई भी। तो जब नौकरियां नहीं है तो आप कैसे मान रहे हैं? बस इन्होंने है कि मेहनत करके कुछ ना कुछ तो पल्ला पड़ेगा भाई। क्या नाम एक भर्ती हुई जी, बस इधर आ जाइए आप। क्या नाम आपका? विशाल सरोवा। अच्छा क्या सरोवा जी, बताइए रोजगार की क्या स्थिति है, आपको क्या लगता है? कोई स्थिति नहीं रोजगार की, खत्म है रोजगार, हम भी यहीं खड़े और भी यहीं खड़े रहेंगे। और जैसे या बीजेपी की सरकार हो या लोकदल हो या कांग्रेस हो, कोई सी भी हो, सब पीसा का हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 2014 में कहा था। हाँ तो 2 करोड़ कहाँ है? योगी जी ने भी अभी एसआई की कई सारी भर्तियां उन्होंने निकाल ली, और अब लेखपाल की भी एसआई की पोस्ट के लिए योग्य है नहीं, और ये उसकी कांस्टेबल की भर्ती मार ना सके तो क्या फायदा हो इसका एसआई की का यहाँ से। शुभम क्या लगता है, पढ़ाई लिखाई जैसे जिस तरीके से हुई है इस सरकार में या जिसकी भी सरकार का काम रहा है, क्या सही रहा ये कार्यकाल 5 साल का? कहीं भी नहीं जी, यहाँ तक पढ़ाई ढंग में चली नहीं, सारा स्कूल बंद पड़े और कोरोना में स्कूल ऐसे बंद लगे। ऑनलाइन तो पढ़ाई चली, ऑनलाइन तो पढ़ाई चली भाई, ऑनलाइन पढ़ो भाई, ऑनलाइन 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 क्या पढ़ा है, कुछ भी नहीं भेजते हुए ऑनलाइन में भी, तो हमें टीचर कौन देगा? हमें टीचर कौन देगा? टीचर भी कुछ नहीं भेजते। जैसे ऑनलाइन की पढ़ाई की बात कर रहे हैं, क्या सबके पास फोन उपलब्ध होता है पढ़ाई के दौरान या डेटा उपलब्ध होता है पढ़ने के लिए? 80% तो है, 20% नहीं। एक एक मजदूर आदमी जो है क्या वो 15-20 हजार का फोन खरीद के दे सकता है? 6 हजार रुपए का फोन लास्ट में, कोविड में इसका जरूरी है क्या लेना? लेकिन हर महीने 300 के रिचार्ज का कैसे करे? हाँ पर गरीब का रिचार्ज महंगा होगा, तो ऑनलाइन पढ़ाई कैसे? स्कूल फीस नहीं जावा, मैं पढ़ाई करनी पड़ेगी स्कूल में, फीस भी जावा इसको आप तब भी कोचिंग में भी 1500 रुपए कम से कम कोचिंग में जावा, एक महीने में 300 रुपए, एक कोचिंग के 500 रुपए है तो 300 कोचिंग के 1500 रुपए, आपके फिर भी ले रहे हैं? लगता है ऑनलाइन ऑनलाइन फीस नहीं ले रहे? मैं तो ले रहे अपना अपना डाटा यूज करवा रहे, तो वो नहीं फ्री पढ़ू ना फोन पे, मैं तो फ्री पढ़ू फिर जानना है महादेव से आता होगा उसमें डेटा तो आ है। 300 रुपए का रिचार्ज करवाओ और कितने घंटे पढ़ो उसमें? अब 4 बच्चे हैं घर में, 300 3 चौक 1200 रुपए का रिचार्ज महीने नहीं क्यों करवाओ, एक ही फोन तो पढ़ लेना। जब अब ऐसा थोड़ी ना 24 घंटे एक ही बच्चा फोन, जब की क्लास 10 बजे शुरू होती है तब क्या करेंगे? नहीं यार ये बताइए कि जो आपकी विधानसभा है, हाँ जी, अभी जो आपके विधायक रहे हैं, हाँ, यहाँ पर आए हैं गांव में? हाँ जी, क्या बात है, ये ग्राउंड सर उन्होंने बनाया था सर, सारे रास्ते सारे इधर ग्राउंड है मेरे गांव में। एक तो ट्रैक की व्यवस्था नहीं है, ट्रैक क्या आयु क्या रेस में पैसे, क्या ट्रैक बना रखा आयु ना कोई जगह खेलने, क्या इज्जत जगह थोड़ी ऐसी जगह में खेले जाता है, या स्कूल का ग्राउंड है खेलने, तो ग्राउंड अलग होना चाहिए ना, अलग तो 400 मीटर का ट्रैक होना चाहिए। जगह तो है यार, निकल जगह है यार, निकलनी चाहिए, क्यों क्यों निकलनी चाहिए ना, निकल निकलनी चाहिए, वो जो जंग गिरी है निकलनी चाहिए। ये काम प्रधान के लिए हमें लगा कि भाई गांव में ग्राउंड होना चाहिए बड़ा अच्छा कूदने के लिए, इसमें क्या हो क्या बागले इसमें हम
कुछ नहीं होता, रोड पर जाता है पैर मुड़ जाता है, दो महीने के लिए ठंडी में बैठ जाते हैं। नौजवानों का वोट ले लेती है, बड़े बड़े वादे भी करती है, आपको वादे करती है तो वादे पूरे कुछ ही कम करती है वादे, यानी वादे अच्छे करे वो थोड़े मोटे तो रह जाते हैं, तो यानी एक बात कह किसी बराबर बराबर तो कोई पंचों तो बराबर होती नहीं। तो आपको लगता है सब लोग बीजेपी से काम से खुश हैं? करोड़ लैपटॉप मतलब एक करोड़ उसका वो तो अखिलेश ने भी दिए थे, नहीं ये ज्यादा दिए थे योगी सरकार ने तो दिए, अरे तो वादा भी कर ये तो वादा भी कर रहे हैं, क्या नाम है इनका फिर विधानसभा भी का फिर आपके नाम का फिर दे देंगे, ये तो कह रहे हैं जितना पढ़ोगे उतने तो आगे बढ़ोगे, जितना पढ़ेगा उतने आगे पढ़ोगे लिखोगे आगे बढ़ोगे। वो तो अखिलेश ने मोबाइल लैपटॉप तो मोदी ने नहीं, मेरे भाई को मिला, मेरे भाई को मिला। नौकरी जरूरी है या लैपटॉप जरूरी? नौकरी भी जरूरी है, मतलब जो सरकार से फायदा है वो तो मिलना चाहा, देरी सरकार फायदा। गाँव गाँव में राशन मिल रहा है क्या, वो राशन जायज है एक मजदूर परिवार को? राशन इब जब कोविड में जो कोविड होया इसमें दो दो बार मिला, महीने में तीन तीन बार भी मिला, तीन तीन बार मिला, दो बार मिला, दो बार तो मिला ही मिला है, तीन बार भी मिला है पिछले महीने में, तो सारी चीज मिली इसमें, क्या नाम तेल भी मिला, रिफाइंड मिला, नमक मिला और तो बस ये चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा पिनोला है सर। अच्छा, क्या लगता है चुनाव है? देखो चुनाव 2022 के हो पहले भी हो अरे होगा जा लिए, नौकरी नौकरी सब दुनिया नौकरी के पीछे है, सरकार खम्मा लालच दे नौकरी नौकरी, इन्हें सबको नौकरी मिल जाएगी, मजदूर क्या करेंगे, दिहाड़ी 400 रुपये है, 350 रुपये दो जक्कत है मेरा, 350 रुपये तू चल जा घर में वे। लेकिन कह रहे हैं राशन मिल रहा है, राशन का काम चल जाएगा, 400 रुपये की दाड़ी है हमारे काम में, 400 रुपये में अतु चल जा जी। पाँच साल में पाँच साल में आपकी दिहाड़ी कुछ बड़ी? कुछ नहीं बड़ी, कुछ नहीं बड़ी, कुछ नहीं सारा जी, कुछ नहीं। एक विभाग है श्रम विभाग, वहाँ से कोई योजना का लाभ मिला? कुछ नहीं योजना का आप जी, कुछ नहीं, खम्मा का कार्ड वगैरह बन रहे हैं आजकल, बन रहे हैं लोग तो कह रहे हैं 3,000-3,500 रुपये मिलते हैं, मिल रहे जी, जिस किसी का बन रहे किसी का नहीं बने वो लोग, पर जो मतलब जिनने बना उसके आ रहे सरकार नौकरी 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 पे तो है, जा गया दे जा रही नहीं भी जा रही, जो मजदूर है तू तो नौकरी है पढ़ रहा लिख रहा मजदूर, हमारे बच्चे मजदूर वे क्या खावा गए, 400 रुपये तो नहीं पूरा पड़ता। आपको लगता है कि आप मजदूर के लिए कुछ काम किया है या नहीं? कुछ नहीं करा जी, ना तो मजदूरी बढ़ती बिल्कुल भी, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जान लग रही, कुछ मतलब रोजगार ऐसा तो करो मजदूरों खातर भी, मजदूरों ने बच्चे पाल ला वोट वोट हम आ देगा जो बड़ा विकास करेगा। आपकी विधानसभा क्षेत्र में अभी तक कोई स्कूल कॉलेज आईटीआई कॉलेज पॉलिटेक्निक कॉलेज या कोई डिग्री कॉलेज बना है? कोई नहीं बना, गड़ी पुख्ता में बना है, ये भी है तेरे आगे आसपास कुछ इंटर कॉलेज कोई बना नहीं, इंटर कॉलेज की घोषणा करी थी पर बना नहीं, कोई नहीं बना जी, इंटर कॉलेज की घोषणा करी पर बना नहीं, बना नहीं पड़े अब तक, बच्चे जी दूर जाते हैं, सारी सड़क बनी, सड़क पास हो गई, बस चलो तो बस बस इंटर तक कॉलेज होना चाहिए स्कूल में, यहाँ से गाँवपुर में चलिए हम आपके लिए, आपको लगता है कोई स्कूल कॉलेज बना हो? कोई नहीं बना जी, बोलो बच्चे बहुत दूर लो पैदल जाते हैं पढ़ने, लेडीज भी और जेंट्स भी, लावा दौरा कोई नहीं आज, वो तो 10 किलोमीटर दूर है, वो तो उनके एरिया में है, वो तो उनके एरिया। अच्छा लड़कियों के लिए कुछ स्कूल कॉलेज? यो प्रॉब्लम है, यो गाँव में यो प्रॉब्लम है कॉलेज की, कॉलेज की प्रॉब्लम है, बनने चाहिए फिर भी इंटर तक आप कह रहे हैं, नहीं सरकार अच्छी है, सरकार तो अच्छी है फिर भी चलती है, एक बस चले गांव में, बस भी नहीं चलती है, बस भी नहीं आती गांव, ये तो कह रहे हैं रोड बनाए, विकास एक बस पांच चक्कर मारे, रोड भुट्टे पड़े हैं, गांव के रोड बन रहे हैं, क्या हालत है गांव के, गांव में अच्छी है, हमारे गांव में जाकर देख लो कोई नहीं बनवाता, बहुत अच्छे रोड चल रहा है, ये तो नहीं बनने बहुत अच्छे पास है, तो ये हमारी सरकार का लव वोट लेना लेना आज यार रोड बनते नहीं ना, गांव के सारे रोड भुट्टे पड़े आज लोग कम ना तो बने हुए, तो आपको लगता है अति कक्षी सड़क काट रहा है, दो सैंगल बचती नहीं, अस्पताल था ना गांव में, यहाँ डॉक्टर कुछ भी नहीं, गाँव में एक भी अच्छी है, कोई एक भी डॉक्टर नहीं जी गाँव में, यहाँ से स्कूल है जी एक मैडम है, यहाँ कुछ भेज ही नहीं रही सरकार, बताओ क्या फायदा स्कूल का, फिर भी सरकार आएगी हमारे कॉलेज में कितने आवेगी बताओ भाई, तो कह रहे की काम नहीं किया है कुछ, काम तो कुछ करवा ही नहीं रहे, दिख रहा ना काम तो वोट करेंगे, काम आराम से सब सब वोट करेंगे लोग, फिर ऐसी बीजेपी को वोट देंगे, विकास हमारे परिवार के वोट देगा, वोट हम सदे जो विकास गांव का विकास करा सही पार्टी को, जोन विकास करेगा हम वोट उसे देंगे, 100 बेरी कह के देंगे, इतनी महंगाई होगी जी बीजेपी की सरकार में, मजदूर तो बिल्कुल मर लिया। हम थाना भवन विधानसभा क्षेत्र के पुरमाफी गाँव में थे, जहाँ पर हमने यहाँ पर नौजवानों से बात की और जानने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में
क्या माहौल बनने वाला है। लोगों का मानना है कि जो विकास करेगा इस बार हम उसको वोट करेंगे, उसकी सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की खबरें जानने के लिए जुड़े रहे चलचित्र अभियान से। धन्यवाद।